हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता हम लोग कर रहे हैं बीकॉम कॉम फिफ्थ सेमेस्टर इंडियन इकोनमी जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट क्या है ठीक है इसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं वो हमने लास्ट वीडियो में किया है तो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक आगे लेके चल रहे हैं जिसमें है ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया कि इंडियन कैपिटल मार्केट में कितनी ग्रोथ आई है तो जब हमने इंडियन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ की बात करनी है तो उसकी ग्रोथ को हम लोग मैयर कर सकते हैं विद द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर विद द ग्रोथ ऑफ कारपोरेट सेक्टर विद द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट तो जब कार्पोरेट सेक्टर ग्रो कर गया सेकेंडरी मार्केट ग्रो कर रही है प्राइमरी मार्केट ग्रो कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे हैं इट मीन्स कि इंडियन कैपिटल मार्केट भी पहले से काफ़ी ग्रो कर रही है तो जब हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रोथ ऑफ़ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जितना भी इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें 99 नाइन परसेंट जो है प्राइवेट कंपनीज हैं ठीक है तो कारपोरेट सेक्टर क्यों डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डिवेलप हुआ है ठीक है तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी लिबरल पॉलिसीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए सेटअप की हैं तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 1982 में जो नंबर ऑफ कंपनीज थी दे आर सेवेंटी और आज जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं टेन लैख एट्टी ठीक है ये 2016 का डाटा है तो रिसेंट डाटा इससे भी ज़्यादा है अप कैपिटल तब थी 18,936 थाउजेंड ठीक है जी ये जो कैपिटल है करोड्स में दी हुई है और आज है फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्सटी टू फोर्टी नाइन सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स करोड़ तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्पोरेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा ग्रो किया है देन आ गया ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स जब भी हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज आता है तो सेकेंडरी मार्केट आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट ठीक है सेकेंडरी मार्केट के बिना कैपिटल मार्केट आके नहीं पढ़ सकती तो सेकेंडरी मार्केट में भी काफी ग्रोथ आई है पहले सेवेंटी नाइन एटी में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नाइन थे और लिस्टेड नाइन नाइनटी टू फिर 2001 में 23 नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हो गए और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज 5955 थी ठीक है और आज अगर हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज 17 है और जो लिस्टेड कंपनीज हैं 5834 हैं पर जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा राइज की है पहले जो थी 5421 और 2000-2001 में होगी फाइव लैख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री और जब हम बात करते हैं रिसेंट टू थाउजेंड सिक्सटीन का डाटा चाहे नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कम हो गया है पर ये जो कैपिटल है इट इज़ वन करोड़ ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हुई है तो अगर सेकेंडरी मार्केट ग्रो की है तो कैपिटल मार्केट तो ग्रो करेगी ही करेगी देन हम कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को मैयर कर सकते हैं कैपिटल प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ से प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे क्या न्यू इशू ऑफ शेयर्स किया जाता है सिक्योरिटीज़ की फर्स्ट टाइम इशू की जाती है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं जब उन्हीं सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है जिस मार्केट में उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है तो जो स्टॉक प्राइमरी मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो की है प्राइमरी मार्केट में आ गया पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स ठीक है राइट इशू तो ये सब कुछ कहाँ पे होता है प्राइमरी मार्केट में होता है तो प्राइमरी मार्केट का डाटा हमें दिया है टू थाउजेंड नाइनटीन में नंबर ऑफ पब्लिक इशू 237 और अमाउंट ऑफ पब्लिक इशू 164 करोड़ ठीक है 2001 थाउजेंड वन टू में टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन में नंबर ऑफ पब्लिक इशू वन थर्टी नाइन और अमाउंट कितनी है फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एटीन करोड़ ठीक है आप 2017 थाउजेंड की बात करें तो नंबर ऑफ पब्लिक इशू टू ट्वेंटी वन ठीक है और अमाउंट कितनी है सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स करोड़ ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी मार्केट जो है 1980 से लेके अब तक काफ़ी ग्रो की है कई गुना ग्रो की है ठीक है देन आ गया ग्रोथ इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो अब हम देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी चेंजेस आई हैं ठीक है इसमें आईएफसीआई, आईडीबीआई, ठीक है एस नबार्ड तो इस तरह से काफ़ी इंस्टीट्यूशन्स हैं जो कि मतलब कि जिनमें ग्रोथ हुई है जो नए डिवेल्प किए गए हैं कुछ ही सालों में ठीक है जब ये इंस्टीट्यूशनस आके तो ऑब्वियस है कि इन्होंने कैपिटल मार्केट को और ज़्यादा ग्रोथ की और लेके गए हैं म्यूचुअल फंड में काफ़ी ग्रोथ हुई है सबसे पहले म्यूचुअल फंड होते क्या वो हमने लास्ट वीडियो में किया है कि जो स्मॉल सेविंग्स को मोबलाइज़ करते हैं उसे म्यूचुअल फ़ंड कहा जाता है तो सबसे पहले 1964 में यू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये सेटअप किया गया था किस लिए म्यूचुअल फंड के लिए उसके बाद हर एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड्स जो है शुरू कर दिए तो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड्स जो है एसेट्स अंडर म्यूचुअल फ़ंड 2001 थाउजेंड वन टू में वन लैख फाइव नाइन्टी फोर थे टू थाउजेंड टेन इलेवन में फ़ाइव लैख नाइन्टी टू थाउजेंड टू फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन में टू लैख नहीं ट्वेंटी वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स तो इस तरह से जो अमाउंट ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फ़ंड है देखो कितने गुना हो गए विद इन सेवनटीन एटीन ईयर्स तो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ हमें कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के बारे में बताती है ठीक है इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कैपिटल मार्केट में ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग शुरू होगी है ठीक है कैपिटल मार्केट में देन मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हो गई है मोबाइल बेस्ड ट्रेडिंग आ गई ठीक है जी देन ई बैंकिंग है तो ये सारे मोड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को तो उनके इंक्रीजिंग यूज़ की वजह से भी कैपिटल मार्केट जो है ग्रो कर रही है इसके अलावा 19 '92 में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था ठीक है उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ तो उनकी रेगुलेशन की वजह से साउंड रेगुलेशन की वजह से क्या हुआ है कि कैपिटल मार्केट काफ़ी ग्रो की हाँ जी अब हम करें प्राइमरी मार्केट कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग करें प्राइमरी मार्केट फिर हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट एंड डेप्ट मार्केट ठीक है तो प्राइमरी मार्केट मार्किट होती क्या जहाँ पे हम लोग न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ की जाती है और ये ऑफर टू द पब्लिक फर्स्ट टाइम होती हैं ठीक है ये फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफ़र की जाती है ठीक है इसके बाद अगर इन्हीं सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो वो सेकेंडरी मार्केट में डील की जाती है अब इसमें जो डील करने वाले हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं ठीक है जी अब इसके बाद है कि ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं ठीक है तो इशू जो है कर इशू करने वाली न्यू कंपनी भी हो सकती है एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है इशू नया होना चाहिए पर कंपनी तो नई भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग भी हो सकती है ठीक तो है, है। जी अब इसके फीचर्स क्या है सबसे पहले जो प्राइमरी मार्केट है वो न्यू इशू में न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ में डील करती है ठीक है अब जो सिक्योरिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम किसको को इशू की जाती हैं पब्लिक को इशू की जाती हैं ठीक है थीके, तो अगर कोई कंपनी न्यू इशू करती है तो उसे आई कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहा जाता है अगर कोई कंपनी जो ऑलरेडी इशूड है वो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो शेयर्स इशू करती है तो उसे एफ कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ठीक है अब दूसरी खासियत प्राइमरी मार्केट की ये है कि इसकी कोई जोग्राफिकल प्लेस नहीं होती ठीक है तो जहाँ पे भी हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ करते हैं तो उसे कैपिटल मार्केट या प्राइमरी मार्केट कहा जाता है बट इसका कोई ज़रूरी नहीं कि जोग्राफिकल प्लेस हो और जो कैपिटल इशू की जाती है उसके कई मेथड्स हैं उसमें आई पी ओ आ गया जो अभी हमने किया है एफ पी ओ आ गया राइट इशू आ गया बोनस इशू आ गया तो ये जो है इसके कई मेथड्स हैं जो प्राइमरी मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है मींस पहले सिक्योरिटीज़ इशू होंगी पब्लिक को उसके बाद ही वो डील होंगी कहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में तो ये सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है कंट्रोल प्राइमरी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है सेबी करता है तो ये किसके कंट्रोल में आती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और उसी के लॉ यहाँ पे अप्लाई होते हैं नाउ द पॉइंट इज़ कि जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं कैपिटल मार्केट में वो कैसे की जाती है प्राइमरी मार्केट में तो सबसे पहले तो जैसे कोई एक कंपनी है उसने शेयर्स इशू करने हैं तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती है ठीक है कंपनी जो है डायरेक्ट भी ऑफर कर सकती है पब्लिक को और अंडर राइटर्स के थ्रू भी कर सकती है कल हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कंपनी को ये होता है कि अगर उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हुआ तो कंपनी बंद भी हो सकती है इसलिए कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें अंडर राइटर्स ये कहते हैं कि हम आपके 100 परसेंट शेयर सब्सक्राइब करवा देंगे अगर पब्लिक ने ना किए तो हम खुद करेंगे तो उसे अंडर राइटिंग कहा जाता है इसके अलावा कंपनी जो है इशुइंग हाउसेस स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी शेयर्स को सेल करती है इशुइंग अथॉरिटी या स्टॉक ब्रोकर्स ठीक है जी तो इस तरह से पहला आ गया कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू दूसरा आ गया अथॉरिटीज के थ्रू कर सकती है ठीक है तीसरा आ गया प्राइवेट प्ले, प्लेसमेंट जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में ये अपने इम्प्लॉयिज़ को डायरेक्टर्स को जैसे कुछ नंबर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करती है ठीक है जी पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू तो द रूल्स ऑफ सेबी ही इसे करना पड़ता है ठीक है जी क्लियर है देन आ गया राइट right इशू जब कंपनी ने एक बार कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए अब कंपनी को दोबारा पैसों की ज़रूरत है कंपनी दोबारा इशू करना चाहती है शेयर्स तो उसे क्या बोलते हैं राइट इशू ठीक है right जब कंपनी दोबारा शेयर्स इशू करती है तो उसे शेयर्स नहीं बोलते उसे राइट right इशू बोलते हैं ठीक है, राइट इशू जो है वो ज़्यादातर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनको पहले शेयर्स दिए हुए हैं उनको ऑफर किए जाते हैं अगर वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते बाय नहीं करते देन दे आर ऑफर टू द न्यू ईशूर्स न्यू पब्लिक समझ के पहले ये उनको ऑफर किए जाते जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं ठीक है तो अगर ये डिनाई कर देते हैं देन दे आर ऑफर टू दब्लिक एट लार्ज उसके बाद आ गया बोनस इशू बोनस इशू होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास अकमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं कंपनी उन्हें यूज करना चाहती है तो कंपनी क्या करती है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है जो राइट right इशू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बट जो बोनस इशू है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऑब्वियस है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही दिए जाते हैं अब यहाँ पे कोई ये सवाल अराइज नहीं होता कि दे विल एक्सेप्ट बोनस इशू और नॉट बिकॉज दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो बोनस इशू क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं अब क्योंकि राइट इशू में पेमेंट करनी होती है कई बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास इतने पैसे नहीं होते या वो इंटरेस्टेड नहीं होते देन दे कैन डिनाई टू रिसीव दोज राइट इशू पॉइंट क्लियर देन आ गया कंपोजिट इशूज कंपोजिट इशू क्या है कंपोज़िट इशू हो गया कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो क्या करती है पब्लिक इशू भी करती है जाने कि पब्लिक एट लार्ज को इशू करती है प्लस राइट इशू करती है इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको भी ऑफर करती है और जो पब्लिक है उसको भी ऑफर करती है तो इसे बोलते हैं कंपोजिट इशू ठीक है इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान इसमें क्या है कि जो शेयर्स ऑफर्ड किए जाते हैं वो हम लोग अपने डायरेक्टर्स को जैसे हमने प्लेसमेंट में किया था अपने डायरेक्टर्स को ऑफिसर्स को और इम्प्लॉयिज़ को ऑफर करते हैं ठीक है और जो इनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एट अ प्री डिटर्मेंट प्राइस वो जो प्री डिटर्मेंट प्राइस होता है दैट इज़ लेस देन द मार्केट प्राइस ये मार्केट प्राइस से हमेशा कम होता है ये किस लिए किए जाते हैं अपने इम्प्लाईज़ अपने डायरेक्टर्स अपने स्टाफ को ओबलाइज करने के लिए ये शेयर्स किए जाते हैं इसे बोलते इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्राइमरी मार्केट का ही चल रहा है पहले हमने फीचर्स की फिर हमने मैकेनिज्म किया अब हम कर रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं सबसे पहले आगे मर्चेंट बैंकर्स मर्चेंट बैंकर्स वो हैं जो कंपनी के शेयर्स को इशू करवाते हैं ठीक है ये जो बैंक होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स ऑफर करते हैं ठीक है वो डॉक्यूमेंट्स ऑफर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ठीक है ऑफर डॉक्यूमेंट को सारा प्रिपेयर करते हैं उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं ठीक है इवन जो मर्चेंट बैंकर्स है वो कंपनी के सब्सक्रिप्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं इसके अलावा ये उनके फंड्स को मैनेज करते हैं ठीक है नाउ इट इज ऑर्बलाइज ओब्लाइटरी कि जितने भी पब्लिक इशू होंगे पहले नहीं था अब हो गया कि जितने भी पब्लिक इशूज़ होंगे वो मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू ही होंगे मर्चेंट बैंकर्स वो बैंकर हैं जो कि पब्लिक और कंपनी के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं जब कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं तो वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू करते हैं वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उनके फंड को मैनेज करते हैं अंडर राइटर्स कौन हैं अंडर राइटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं अंडर राइटर्स वो हैं जो कंपनी और पब्लिक के बीच में डोकर्स का काम ही करते हैं ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उनके हंड्रेड परसेंट शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे अगर तो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया ठीक है नहीं तो बाकी के शेयर्स अंडर राइटर खुद सब्सक्राइब करेंगे इसमें अंडर राइटर्स को क्या बेनिफिट है उनको इसके बदले में कमीशन मिलती है कंपनी को इसका क्या बेनिफिट है कंपनी जो है निश्चिंत हो जाती है कि उसके शेयर जो है हंड्रेड सब्सक्राइब होंगे ही होंगे रजिस्ट्रार टू इशू रजिस्ट्रार टू इशू जो है ये भी इंटरमीडियरी का काम करता है ये ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उसको रिसीव करता है ठीक है और कंपनी को बताता है कि कंपनी ने किस तरह से अलॉटमेंट करनी है ठीक है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करता है उसको बताता है प्रोराटा वगैरह किस तरह से हमने यूज़ करना है इवन जो अलॉटमेंट लेटर्स है उनको डिस्पैच करने में भी मदद करता है ठीक है तो इस तरह से ये कंपनी की न्यू इशू के टाइम पे हेल्प करता है बैंकर टू इशू ये प्राइम ये एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स रिसीव कर ठीक है से रिसीव करता है प्लस उनको अगर एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड करनी है तो रिफ़ंड करने में भी मदद करता है ठीक है तो इसके अलावा ये कोई भी बैंकर टू इशू तभी हो सकता है अगर उसे सैबी की अप्रूवल मिली हुई है सैबी की के अप्रूवल के बाद ही कोई भी चाहे वो बैंकर है चाहे वो इंस्टीट्यूशन है बैंकर टू इशू का, का काम कर सकता है सेब्बी ने अब ये भी मैनिडेटरी कर दिया कि जो डिबेंचर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी सेफ्टी के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा अगर किसी भी कंपनी में 18 मंथ से ज़्यादा के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा और जो डिबेंचर ट्रस्टी का है उसका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में मैंशन में करना बहुत ज़रूरी है ब्रोकर टू इशू ये कौन है ये मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ये मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या करते हैं इन्वेस्टर से प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं ठीक है थीके? उनसे सब्सक्रिप्शन रिसीव करके आगे कंपनी को प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब जो ब्रोकर्स हैं ये तभी अपना काम करेंगे अगर इनको भी सेबी अप्रूव करेगी सेबी के से इसकी अप्रूवल लेनी बहुत ही ज़रूरी है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट पोर्टफोलियो कंसल्टेंट वो पर्सनस हैं जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कंपनीज के साथ मिल के उन एडवाइस करते हैं उनको एडवाइस करते हैं डायरेक्ट करते हैं और उनके फंड्स को मैनेज करने में मदद करते हैं पॉइंट क्लियर तो ये क्या है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स तो इस तरह से हमने जो प्राइमरी मार्केट है उसका सारा कंसेप्ट कवर किया उसमें हमने सबसे पहले किया कि प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्या है फीचर्स क्या है फिर हमने किया था उसके मैकेनिज्म मैकेनिज्म में मतलब कि किस तरह से प्राइमरी मार्केट में शेयर्स वगैरह इशू होते हैं और अब हम कर रहे हैं कि इश्यूज uh, क्या है इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में हेल्प करते हैं तो इसके बाद हम कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट